हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन साथ ही साथ आज है 7th of July, यानी 7-7 पोर्टल। और ये 7-7 पोर्टल बहुत से लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है, राइट? तो आज हम चेकआउट करने वाले हैं कि ये 7-7 पोर्टल आपके रिलेशनशिप में क्या चेंजेस ला रहा है, आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं इस 7-7 पोर्टल में, और इस 7-7 पोर्टल के बाद आपके रिलेशनशिप में और क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो आज इन सब सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, तो इस रीडिंग को बिल्कुल गौर से सुनिएगा। और इस चीज का ध्यान रखें कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है आपने। और साथ ही साथ गाइज, जो ये रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल देख सकता है। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए, ताकि ये रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार या उनके बारे में ही सोचिए, ताकि ये रीडिंग आपके सबकॉन्शियस लेवल से अटैच होकर आपको एक करेक्ट गाइडेंस दे सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, क्या महसूस कर रहा है वो पर्सन आज मेरे व्यूअर्स के लिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटाकल्स। ओके, दिस इज द व्हील ऑफ फॉर्चून, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स एंड बॉटम में यहां पर फोर ऑफ एम्परर्स। ठीक है, चलिए। सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके जोडियक साइंस यहाँ पर जो मुझे देखने को मिल रहे हैं इज लाइक कैंसर और स्कॉर्पियन पाइसेस, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग यहाँ पर नजर आ रही है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी यहाँ पर है। तो ऑलमोस्ट अब तक सब जोडियक साइंस यहाँ पर आ चुके हैं एंड सब जोडियक साइंस बिल्कुल इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हो ना, मैं लिटरली देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर की एनर्जी स्पेशली आपके पार्टनर के लिए आई है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, 5-5 नंबर बहुत स्पेसिफिक मुझे नजर आ रहा है। मे भी हो सकता है कि 5 नंबर आपके लिए बहुत स्पेसिफिक हो, 5 नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आता है, या फिर 5 डेज 5 वीक्स हो चुके हैं आपके ब्रेकअप को, 5th मंथ में यानी मई में कहीं लोगों का ब्रेकअप हुआ था, ठीक है, या फिर नेक्स्ट 5 डेज के अंदर आप बहुत बिग चेंजेस अपने रिलेशनशिप में भी देख सकते हो, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर हैं। चलिए फिलहाल अगर रिलेशनशिप की बात करें, आपके पार्टनर की बात करें, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन के दिल में आपको लेकर बहुत प्यार, बहुत फीलिंग्स, बहुत इमोशंस हैं। ओके, ये पर्सन बहुत प्यार महसूस करते हैं आपके लिए, बट कहीं ना कहीं अपने प्यार को ये छुपाते हैं, ये अपने इमोशंस को छुपाते हैं आपसे, ये नहीं दिखाते हैं अपने इमोशंस आपको, ठीक है। अगर आप इनको देखोगे ना, तो आपको इनके एक्शंस, इनके बिहेवियर में इनके इमोशंस नहीं दिखेंगे। आप देखोगे तो आपको इनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे इस शख्स को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको इनको देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये पर्सन तो जैसे मुझसे प्यार ही नहीं करता है। तो ये पर्सन अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ना छुपाते हैं, इस तरीके से छुपाते हैं जैसे इन्होंने कोई एक नकाब ओढ़ा हो, ठीक है। ये आपको क्या दिखा रहे हैं, ये आपको दिखाते हैं अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, ये आपको दिखाते हैं कि जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा है आपके दूर जाने से, इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन से। तो ये आपको अपनी ये हार्ड साइड दिखा रहे हैं, ये आपको अपने अपनी प्रैक्टिकल साइड दिखाना चाह रहे हैं, ये अपनी इमोशनल साइड आपसे छुपा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है, जहां पर ये पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं। और ये क्यों छुपा रहे हैं, क्यों, आखिर क्या रीजन है इनके इस इमोशंस को छुपाने का? तो मैं जहां तक इनकी एनर्जीज देख पा रही हूं ना, इनके इमोशंस छुपाने का रीजन है इनकी ईगो। सो यहाँ पर इनकी ईगो, ईगो बहुत हाई है आपके पार्टनर की, ठीक है, बहुत हाई ईगो है आपके पार्टनर की। और ये अपने इमोशंस ना, मतलब ये ना ऐसे लग, इन्हें ये चीज महसूस होती है कि अपने इमोशंस दिखाने का मतलब है कि अपनी वीकनेस दिखा देना सामने वाले को,
ठीक है, और ये पर्सन अपनी वीकनेस आपको नहीं दिखाना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी इमोशंस आपको किसी भी तरीके से दिखा देंगे ना, तो आप उनके इमोशंस का फायदा उठाओगे, आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, आप उनके इमोशंस की वैल्यू, उनके इमोशंस की कदर नहीं करोगे। जिस तरीके से उन्हें उन्होंने आपके इमोशंस की कदर नहीं करी थी, उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी थी ना, आप भी उनसे या तो बदला लोगे या फिर आप भी उनके इमोशंस की कदर नहीं करोगे। ठीक है, सो ये पर्सन अपने इमोशंस बिल्कुल हाइड कर बैठे हुए हैं, छुपा कर बैठे हुए हैं, ठीक है, और नकाब ओढ़ रखा है इस चीज का कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें मुझसे प्यार है तो है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो आज ये 7-7 पोर्टल मुझे ये एनर्जी दिखा रही है कि इनके ऊपर से ये नकाब हट जाने वाला है। सबसे पहले ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि जो नकाब इन्होंने ओढ़ा हुआ है, ठीक है, ये नकाब इनके ऊपर से उतरने वाला है और ये पर्सन अब अपने इमोशंस आपको दिखाना चाहेंगे। ठीक है, ये जिस तरीके से बहुत, ये देखो, ये पर्सन भी बहुत बुरा महसूस करते हैं, इनको भी बहुत हर्ट फील होता है आपसे दूर रहकर, ये पर्सन भी कोई खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है अपनी लाइफ में, इन्हें भी बहुत अटैचमेंट, बहुत अट्रैक्शन आपके लिए फील होता है। ठीक है, और अब ये अपने दिल की फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपको दिखाने वाले हैं, तो ये 7-7 पोर्टल इनके ऊपर से ये नकाब हटा देने वाला है। ठीक है, 7-7 पोर्टल में सबसे पहले तो आपके पार्टनर को ये रियलाइज हो जाने वाला है कि वो अपने इमोशंस को आपसे छुपाकर गलत कर रहे हैं। उन्हें आपके प्यार का एहसास होगा, उन्हें एहसास होगा आपकी केयर का, आपकी, आपके लव का, आपने कितना कुछ करा है इस पर्सन का, उन सब चीजों का एहसास आपके पार्टनर को होगा और उन्हें ऐसे लगेगा कि वो आपको गलत समझ रहे हैं। ओके, उन्हें लिटरली ये चीज महसूस हो जाने वाली है कि वो आपको गलत समझ रहे हैं, अगर वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं ना कि अगर वो अपने इमोशंस आपको दिखाएंगे और आप उनकी वीकनेसेस का फायदा उठाने वाले हो, या फिर आप भी उन्हें एक समय पे टेकन फॉर ग्रांटेड लोगे, या जिस तरीके से उन्होंने आपको हर्ट करा है आप भी उनसे बदला लोगे। ठीक है, तो उन्हें लगेगा कि वो गलत सोच रहे हैं, अगर वो आपको इमोशंस दिखाएंगे तो आप और प्यार करोगे उन्हें, आप और ज्यादा फीलिंग्स आ जाएंगे आपके दिल में उनके लिए। तो ये चीज आपके पार्टनर को रियलाइज हो जाने वाली है कि ये पर्सन को आपको अपने इमोशंस दिखाने चाहिए, इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स आपको शो कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये अपने नकाब ओढ़ कर फेंक देंगे, और मैं देख रही हूं जहां तक कि 7-7 पोर्टल में बहुत लोगों के पार्टनर जो है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहेंगे, इनके इमोशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाने वाले हैं। ठीक है, बहुत लोगों का रियूनियन तो यहाँ पर न्यू मून की एनर्जी में भी हुआ है, एंड बहुत लोगों का रियूनियन आज रात भी हो सकता है, 7-7 के पोर्टल में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये एनर्जी है, बहुत मेजर ब्लेसिंग्स ये 7-7 पोर्टल आपको दे रहा है। देखो वैसे अगर आप 7-7 पोर्टल की बात करो ना, ठीक है, तो 7-7 पोर्टल बहुत बहुत मेजर ब्लेसिंग्स लेकर आता है, ये काफी स्पिरिचुअल और मैजिकल नंबर है। मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में शायद ये बात आपको बता चुकी हूँ, 7 नंबर बहुत ही मैजिकल नंबर होता है। 7 नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो आपने देखा होगा ना, 7 रेनबोज होते हैं, 7 फेरे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से 7 नंबर बहुत चीजों से कनेक्टेड है, ओके, और 7 बहुत ही मैजिकल नंबर है, और इसलिए ये 7-7 नंबर आपकी लाइफ में कुछ मिराकल्स, कुछ मैजिक्स लेकर आ सकता है। तो इस चीज के लिए भी ओपन अप रहिए, और उस मिराकल को रिसीव करने के लिए, उस मिराकल को आपको क्लेम करना होगा, आई क्लेम मिराकल्स या आई क्लेम ब्लेसिंग्स आप कमेंट में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 7-7 नंबर बहुत लोगों की लाइफ में चमत्कार, मिराकल्स, ऐसी चीजें लेकर आ रहा है। ओके, ग्रेट, और आपके लिए आ भी गया व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, आप लोगों के लिए आ गई है, जो कि अगेन बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखाता है। और भी देखते हैं और क्या चेंजेस और क्या रियलाइजेशंस आपके पार्टनर को हो रही हैं और क्या महसूस करने वाले हैं वो 7-7 पोर्टल में आपके लिए, तो वो चीजें अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, 5 of Wands, ओके, 5 of Cup। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक एनर्जी और फील हो रही है, एंड दैट इज 5 of Wands, यानी कहीं ना कहीं इनको ना, अगर इन्होंने आपके साथ बहुत रूड बिहेवियर रखा, ठीक है, एंड बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अगर इस पर्सन ने आपको दी, या इस पर्सन ने ही आपको खुद ब्लॉक कर दिया, तो मैं यहाँ पर, और बहुत बुरा भला भी इस पर्सन ने आपको कहा, बहुत बहुत इंसल्ट करी आपसे, बहुत बुरे तरीके से फाइट करी इन्होंने आपसे, तो मैं यहाँ पर इनकी एनर्जी ऐसे देख पा रही हूँ जहां पर ये पर्सन को इस चीज का भी एहसास होने जाने वाला है कि वो कितने गलत थे, उन्हें अपने गलत बिहेवियर का, अपने गलत एक्शंस का रियलाइज हो जाने वाला है। ठीक है, मतलब ये 7-7 पोर्टल उनको ये भी रियलाइज करवा देगा कि वो गलत थे। ठीक है, अभी तक वो खुद को सही समझ रहे थे। ठीक है, उन्हें ऐसे अभी तक लग रहा था ना
कि वो गलत नहीं है और उन्हें आपको अप्रोच नहीं करना चाहिए, ठीक है। अभी तक वो अपने आप को गलत ही नहीं मान रहे थे, एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि हाँ वो भी गलत हो सकते हैं, लेकिन ये 7-7 पोर्टल उनके अंदर एक एक्सेप्टेंस लेकर आ रहा है कि हाँ वो भी गलत हो सकते हैं और उन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, और अगर वो गलत हैं तो उनको अब चीजों को सही करना चाहिए, आपकी तरफ से वेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो एक ये एनर्जी भी 7-7 पोर्टल लेकर आ रहा है उनके लिए। ये पर्सन आज रात बहुत अपसेट महसूस करने वाले हैं, ठीक है। 5 of cup की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, ठीक है। ये बहुत अपसेट फील करेंगे आज रात, इनके साथ ऐसा हो सकता है बहुत डिप्रेस फील करें, बहुत अपसेट हो जाएं, ठीक है। बहुत एंग्शियस हो सकते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हैं अपने इमोशंस की वजह से, क्योंकि इस समय ना ये 7-7 पोर्टल ना लिटरली इनके इमोशंस को बहुत ज्यादा ट्रिगर करने वाला है। चलिए और भी चेकआउट करते हैं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड और बताइए 7-7 पोर्टल और क्या लेकर आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। ओके, सो दिस इज स्लोइंग डाउन। नेक्स्ट हमारे पास है ओके सक्सेस। वाओ, आखिर इस रिलेशनशिप में और क्या है, नियर फ्यूचर क्या है, पार्टिसिपेशन, ठीक है। इस रिलेशनशिप में का फाइनल फाइनल आउटकम इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है, दैट इज ओके लेजीनेस एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। और क्या रियलाइज कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस समय, सो दिस इज कॉम्प्रोमाइज कंडीशनिंग। बॉटम में वी हैव न्यू विजन, ग्रेट। तो यहां पर जो मैं देख पा रही हूँ, सबसे पहले तो आपके पार्टनर के लिए 7-7 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है ना, तो वो चीज मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो दिस इज स्लोइंग डाउन, यानी सबसे पहले तो मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के अंदर ना पेशेंस आ रहा है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव एक्शन ले लेते हैं, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि मतलब एकदम जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजन इन्होंने लिए हैं, पास्ट में भी लिए हैं, ओके। सो अब कहीं ना कहीं इनके अंदर ना एक पेशेंस आ जाएगा। अब ये सारी चीजें सोच समझ कर कर रहे हैं, ठीक है। और ये 7-7 पोर्टल उनके लिए मैं जहां तक ये देख रही हूँ ना, पेशेंस लेकर आ रहा है, ठीक है। पेशेंस, मैच्योरिटी लेकर आ रहा है। जो ये टर्टोइज आप देख रहे हो ना इस कार्ड में, टर्टोइज आप जानते हो ना बहुत बहुत लॉन्ग लिविंग एनिमल है, ठीक है, जो बहुत बहुत लंबा जीता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत मैच्योरिटी होती है, बहुत एक्सपीरियंसेस होते हैं टर्टोइज में, और वही चीज आपके पार्टनर के अंदर मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस पर्सन के अंदर ना अब मैच्योरिटी आएगी। अभी नहीं, ये चीज भी रियलाइज हो जाने वाली है कि ईगो दिखाकर, प्राइड दिखाकर, एटीट्यूड दिखाकर, यस ऑफ कोर्स इस पर्सन ने बहुत एटीट्यूड दिखाया है आपको, अगर आप इनकी तरफ गए भी हो ना, मतलब यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देखती हूँ कि आपने ट्राई भी करा है कि रिलेशनशिप ना टूटे, आपने इनसे बात करने की कोशिश करी है, लेकिन जब आपने इनसे बात करने की कोशिश करी तो ये पर्सन ने आपको एटीट्यूड दिखा दिया, ये कहकर आपसे दूर हो गए कि मतलब उन्हें ये रिश्ता चाहिए ही नहीं, वो इस रिश्ते को एंड करना चाहते हैं। तो बहुत एटीट्यूड भी दिखाया इन्होंने, चीजों को बहुत इमेच्योर तरीके से हैंडल करा, बट यहां पर आप देख रहे हो ना पेशेंस और मैच्योरिटी एक ही कार्ड में निकल कर आ रही है, यानी ये पर्सन के अंदर बहुत स्ट्रांग पेशेंस और मैच्योरिटी आने वाली है, और ये पर्सन अब मैच्योरली चीजों को देखने वाले, ठीक है। और इन्हें इस चीज का भी रियलाइज हो जाने वाला है कि ईगो एटीट्यूड दिखाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला है इस रिलेशनशिप में। अगर उन्हें इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना है तो उन्हें अपने ईगो, अपने एटीट्यूड को साइड में रखना होगा और खुद आपको फर्स्ट अप्रोच करनी होगी। तो इनको ये रियलाइजेशन दे रहा है 7-7 पोर्टल कि आपको कहीं ना कहीं इस पर्सन को आप मतलब फर्स्ट अप्रोच करनी चाहिए, ठीक है। चीजें इनकी वजह से खराब हुई हैं, गलतियां इनसे हुई हैं, तो सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी है। तो मैं यहाँ पर ये 7-7 पोर्टल में इनके नजरिया, इनका नजरिया बदलते हुए देख रही हूँ, ठीक है। इनके थॉट्स में चेंज आते हुए देख रही हूँ। ब्यूटिफुल, ये रिलेशनशिप आपके लिए पार्टिसिपेशन लेकर आ रहा है, यानी फाइनल आउटकम यहाँ पर पार्टिसिपेशन का होगा, यानी फाइनली जिन लोगों की भी मैरिज नहीं हुई है उनके मैरिज होने के चांसेस हैं। पार्टिसिपेशन की एनर्जी मैरिज को, कमिटमेंट को, एश्योरेंस को, स्टेबिलिटी को, वो चीजें दिखाता है। तो अगर अभी तक अगर आप लोगों का अभी तक मिलना बिछड़ना चल रहा था, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे रहे थे आपके पार्टनर बार बार आपको, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अब वो पैटर्न यहाँ पर दी एंड हो रहा है, ठीक है। और अभी तक जैसे आपका रिलेशनशिप स्टेबल भी नहीं था, स्टेबिलिटी नहीं थी, यानी कभी भी आपके पार्टनर आते थे, प्यार दिखाते थे, चले जाते थे आपकी लाइफ से, तो एक स्टेबिलिटी नहीं थी, जिस वजह से आप इन पर पूरा भरोसा, पूरा ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे थे, राइट।
तो अब आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने वाली है. तो दिस इज द बेस्ट एनर्जी ऑफ पार्टिसिपेशन जो कि मैरिज को दिखाता है. अब यहाँ पर ये एनर्जी दो चीजों को और दिखा रही है मुझे. सबसे पहली चीज ये उन लोगों के लिए तो है जो लोग सिंगल हैं, जो लोग मैरिड नहीं है, ठीक है. तो बिल्कुल, और आप लोगों के बीच में अगर फैमिली इश्यूज या कुछ भी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में और उस वजह से आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा था या उस वजह से फैमिली इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑब्स्ट्रैकल्स आ रही थी, तो ये कार्ड उन सब प्रॉब्लम्स और सब ऑब्स्ट्रैकल्स को हटा रहा है, खत्म कर रहा है, ठीक है. ये 7-7 पोर्टल उन सब चीजों का सोल्यूशन लेकर आ रहा है, ठीक है. अभी तक आपके पार्टनर को सोल्यूशन नहीं मिल रहा था ना, बट ये 7-7 पोर्टल उन सब चीजों का सोल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहा है. और अब सेकेंड नोट पर आ जाते हैं. सेकेंड सिचुएशन यहाँ पर ये है कि आप में से कोई एक मैरिड भी हो सकता है. यस, ये उस एनर्जी को भी दिखा रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है. हो सकता है आप दोनों मैरिड हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैरिड है, ठीक है. एंड इस वजह से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता आगे, आपको एक परमानेंट अश्योरेंस नहीं मिल पा रहा है अपने पार्टनर से, ठीक है. आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीजें आपको नहीं मिल पा रही. तो बिल्कुल फिर ये कार्ड आपके लिए परमानेंट अश्योरेंस भी लेकर आ रहा है. आपको एश्योरेंस देगा ये पर्सन, ठीक है, कि मतलब कि इस रिश्ते में आगे क्या चाहिए, उन्हें क्या फ्यूचर चाहिए, ठीक है. तो परमानेंट एश्योरेंस बहुत लोगों को यहाँ पर मिल रहा है 7-7 पोर्टल में. ग्रेट, लेजीनेस एंड पॉलिटिक्स की एनर्जी है. ये एनर्जी पहले भी आ चुकी है. नकाब हट रहा है आपके पार्टनर का, ठीक है, और वो अब रियल फेस, अपने रियल इमोशंस आपको दिखाने वाले हैं. ये पर्सन अपने दिल को, दिल की फीलिंग्स आपको दिखाने वाले हैं. ये पर्टिकुलरली इस लेजीनेस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं. यानी अभी तक क्या था, ये बस बैठे हुए थे कि चीजें अपने आप हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी अपने आप चीजें. तो अब ये इस लेजीनेस की एनर्जी से ये पर्सन बाहर आ रहा है. ये पर्सन अब चाहेंगे आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना, एडजस्ट करना और चीजों को सही करना, ठीक है. उन्हें ये चीज महसूस हो जाएगी कि यार वो तो मुझसे बात नहीं कर रही है या वो तो मुझसे अप्रोच नहीं कर रही है, बट अब मुझे ही अप्रोच कर लेनी चाहिए उससे और मुझे उससे बात कर लेनी चाहिए, ठीक है. तो उनको ये चीज का एहसास हो जाएगा और वो खुद आपको कॉल या मैसेज मिला सकते हैं. क्योंकि मैं इस समय आज लेट नाइट में भी इनके यही थॉट्स देख रही हूं, जहां पर ये बहुत ज्यादा इस बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अब उन्हें आपको अप्रोच कर लेना चाहिए, ठीक है. आपकी तरफ से जैसे कोई अब अप्रोच नहीं आने वाला है, तो ये उनकी टर्न है कि वो ही अप्रोच करके, वही पहल कर चीजों को सही करे, ठीक है. तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा मन करेगा आज रात आपसे बात करने का, आपसे मिलने आने का, आपसे कॉन्टैक्ट करने का, और ये कोई बहाना ढूंढ सकते हैं, ठीक है. ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो सकता है ना करें आपसे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी है, चूंकि डायरेक्ट एनर्जी को नहीं दिखा रहा है मुझे. तो डेफिनेटली हो सकता है कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो नहीं करेंगे आपसे, बट किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू या किसी रीजन से आपसे बात करने की कोशिश करने वाले हैं. ये ऐसा इसलिए होगा इनके साथ क्योंकि इनको आपके लिए बहुत अट्रैक्शन, बहुत फीलिंग्स फील होने वाली है, ठीक है. उनको बहुत फील होने वाला है कि मतलब आपके लिए बहुत फीलिंग्स उनके दिल में जागने वाली है, ठीक है. ये 7-7 पोर्टल ना आप उस पर्सन के दिल में बहुत फीलिंग्स जगा देगा, बहुत ज्यादा फीलिंग्स. चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, और क्या होने वाला है आज रात और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लाइफ में, कोई मिराकल्स हैं, कोई ब्लेसिंग्स हैं, तो प्लीज मेरे डिवाइन, मेरे यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स को बताएं. सो दिस इज किंग ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल डेथ की एनर्जी है यहाँ पर, विच ब्रिंग चेंजेस. ओके, टेम्परेंस, ग्रेट. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों ही आ रहे हैं. एंड दिस इज पेज ऑफ वैंड, एस ऑफ सोड्स एंड दिस इज नाइन ऑफ सोड्स. आज पूरी रात इस शख्स को नींद नहीं आने वाली है. ये पर्सन आज पूरी रात आपके बारे में सोचते रहेंगे, आपको याद करते रहेंगे, इन्हें आपकी छोटी बड़ी हर बात याद आएगी, इनको याद आएगी. अब मतलब ये पर्सन आज पूरी रात जैसे पास्ट में बिताने वाले हैं, ठीक है. पास्ट में जो भी हुआ है ना, मतलब अगर जो भी अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे आप दोनों के बीच में, ठीक है, जो भी स्पेशल मोमेंट्स थे वो इन्हें याद आएंगे, इन्हें अपनी गलतियां याद आएंगी. तो मतलब आज पूरी रात इनके साथ कुछ ऐसे होने वाला है जहां पर आप देख रहे हो ना कि पूरी रात ये पर्सन सोने नहीं वाला है, ठीक है. पूरी रात ये आपको मिस करते रहेंगे एंड बहुत इमोशनल फील करेंगे, हो सकता है रो भी दे, ठीक है. तो यस, ऑफकोर्स ऐसी भी एनर्जी है कि रो भी देंगे, ऐसा भी हो सकता है. बट यहाँ पर आप देख रहे हो ना, देखो, किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर तो डिवाइन ही आपको मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन ही कुछ प्लान कर रहे हैं आप दोनों को मिलाने का. यहाँ पर कुछ बड़े मिराकुलस तरीके से भी आप लोगों का मिलना हो सकता है, ठीक है. अब जैसे ये 7-7 पोर्टल है ना,
तो इट्स लाइक अब 88 पोर्टल जैसे आने वाला, तो ये 77 पोर्टल से लेकर 88 पोर्टल तक, ठीक है, ये जो वन मंथ होगा ना, ये मंथ बहुत स्पेशल हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर मतलब आज रात भी कुछ ऐसा नहीं होता है ना, तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि इस नेक्स्ट वन मंथ के अंदर ये चेंजेस भी आपके लाइफ में आ सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आज रात ही आए, ठीक है। अगर देखो, हर किसी का डिवाइन टाइमिंग अलग होता है, आपका डिवाइन टाइमिंग अलग है, ठीक है। सो यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, तो इस वन मंथ के अंदर बहुत मिराकल, बहुत चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स खुद चाह रहा है कि आप दोनों मिल जाओ। आप दोनों का डिस्टाइन पर्सन हो, डिस्टाइन पार्टनर हो एक दूसरे के, तो बिल्कुल मिलने के चांसेस, पॉसिबिलिटीज बहुत बढ़ जाएंगी। अगर आप अभी तक बिल्कुल होपलेस हो चुके हो कि नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं आने वाला है ये पर्सन, तो बिल्कुल फिर वो होपलेस होने वाली एनर्जी से हट जाओ, क्योंकि आपको होप्स मिलने वाले हैं। और ये 77 पोर्टल आपके लिए बहुत मेजर होप्स लेकर आ रहा है। ग्रेट ग्रेट गाइस, ग्रेट। सो यस, रेडी फॉर दिस चेंजेस, अपने आप को रेडी करो इन चेंजेस के लिए। रेजिस्ट नहीं करना इन चेंजेस को, आपकी आदत है, आप रेजिस्ट करते हो चेंजेस को, एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। तो ये रेजिस्ट करने की जरूरत नहीं है, रेडी हो जाओ, क्योंकि अब तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं। लेकिन द बेस्ट कार्ड यहाँ पर आज जो निकल कर आया ना, अभी अभी मेरी नजर पड़ी है, एंड दैट इज एस ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिटी मिल रही है आपके पार्टनर को, आज ये भी चीज आपके पार्टनर को रियलाइज हो जाने वाली है कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप आखिर है क्या। देखो, अभी तक ना वो नहीं समझ पा रहे थे, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर बहुत कंफ्यूज थे, उन्हें नहीं पता था ये लाइकनेस है या फिर ये प्यार है या अट्रैक्शन है सिर्फ सिंपली, ठीक है। तो उन्हें ये चीज नहीं समझ में आ रही थी अभी तक, बट अब मैं देख रही हूँ कि बिल्कुल क्लियर हो जाने वाले हैं कि हाँ भाई, ये तो मेरा प्यार ही है, ठीक है। मैं तभी चाहकर भी इस पर्सन को नहीं भूल पा रहा हूँ या नहीं भूल पा रही हूँ। तो अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर एक क्लैरिटी भी नहीं थी अगर उनके अंदर, तो वो भी उनको मिलने वाली है और बहुत जल्दी मिलेगी। और ये अपने आप को रिस्क लेने के लिए रेडी करेंगे, ठीक है। यूनिवर्स इनको इतनी ताकत देने वाला है कि अपने आप को रिस्क लेने के लिए एकदम तैयार कर देंगे कि हाँ भैया, मुझे तो रिस्क लेना है, ठीक है। सो देखते हैं कि अगर ये रिस्क लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स बताएं, क्या ये पर्सन आज रिस्क लेंगे, क्या मेरे व्यूअर्स से बात करेंगे, क्या रियूनियन होगा इन दोनों के बीच में, और क्या होगा इनका जवाब, मेरे व्यूअर्स के जवाब क्या होने वाले हैं। चलो आज ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो सन की एनर्जी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स सबसे पहले निकल रहा है, बट क्वीन की कप की एनर्जी भी है। क्वींस ऑफ कप, सन मून बोथ आर देयर, तो यहाँ पर दो सिचुएशंस बन चुकी हैं। अब द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। यहाँ पर है अगेन नाइन ऑफ सोर्ड्स, ग्रेट। फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम में यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ग्रेट। यहाँ पर दो सिचुएशंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये बिल्कुल रिस्क लेना चाहेंगे, ठीक है। इनकी इनको लगेगा कि नहीं, अब वक्त आ चुका है कि इन्हें रिस्क लेना है, तो ये आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ना, ये कोई रीजंस बना सकते हैं, एंड फिर धीरे धीरे ये मतलब ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये धीरे धीरे आएंगे कि ये आपसे रिकंसिलेशन, रियूनियन करना चाहते हैं, उन बातों पर आएंगे ये पर्सन, और ये आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स आपके सामने रखना चाहेंगे, ठीक है। और ये बिल्कुल उस चीज से फ्री हो जाएंगे, आउटकम के बारे में ये नहीं सोचने वाले हैं, ठीक है। होता ना कि आउटकम के बारे में नहीं सोचने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे। फिर इन्हें चाहे आप हाँ करो चाहे ना करो, ठीक है, ये दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर होकर आएंगे। अगर आप हाँ करते हो तो ये पर्सन बिल्कुल आपके साथ ऑनेस्ट और लॉयल रिलेशनशिप निभाएंगे, ठीक है, और आपको उतना प्यार देंगे जिस प्यार के आप सच में हकदार हो, ठीक है, और जो आपकी वैल्यू ये समझ चुके हैं ना, तो बिल्कुल फिर ये आपको वो प्यार देना चाहेंगे जिसके आप सच में हकदार हो। लेकिन अगर आप ना करते हो ना, तो ये खुद ब खुद आपके रास्ते से हट भी जाएंगे, ठीक है। इन्हें लगेगा कि ठीक है, उन्हें आपको परेशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो अगर आप ना भी करते हो ना, तो भी ये आपके रास्ते से लाइक अपने आप हट भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सिचुएशन है, क्योंकि सन और मून दोनों ही एनर्जी, यानी येस और नो की एनर्जी दोनों ही आई है, और यहाँ पर ओवरऑल जो सिचुएशंस बनेंगी ना, वो आपके हक में होंगी, यानी फैसला आप लोगे, फैसला आपके हाथ में होगा कि आप इस रिलेशनशिप को देखो चाहते हो या नहीं चाहते हो। अगर आप चाहते हो, आप हाँ करोगे तो बिल्कुल पॉजिटिव चीजें हैं आगे, ना करोगे तो भी आपके लाइफ में पॉजिटिव चीजें हैं, डोंट वरी, ठीक है। डिसीजन लेकिन आपका होगा, ओके लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक गाइडेंस देना चाहती हूँ कि अगर आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, तो फिर पास्ट को भूल कर जाना, पास्ट के ग्रजेस को लेकर मत जाना,
क्योंकि फिर से प्रॉब्लम्स आएंगी वरना, ठीक है। तो पास्ट के ग्रजेस को लेकर नहीं जाना है, तो कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, आप अपनी फीलिंग्स को लेकर बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि इस पर्सन को इस चीज का पूरा एहसास है कि अगर उन्हें अब आपके पास आना है तो उन्हें आपको कमिटमेंट, एश्योरेंस, शादी के प्रोमिसेस, घर वालों से मिलवाना, एंगेजमेंट करना, ये सब चीजें उन्हें अब करनी होगी। अब उन्हें अपने एक्शंस दिखाने होंगे, एफर्ट्स डालने होंगे, ठीक है। उन्हें पता है कि अब यहाँ पर 50-50% एफर्ट दोनों तरफ से होंगे, और अब ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ एफर्ट्स आप ही डालने वाले हो, ठीक है। तो उन्हें ये चीज भी रियलाइज हो जाएगी। तो बिल्कुल अगर ये पर्सन अब आ रहे हैं तो इन्हें पता है कि इन्हें एफर्ट्स डालने होंगे, तो ये बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट तरीके से आने वाले हैं, प्योर इंटेंशंस के साथ आने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर इट, और बहुत जल्दी ये चीजें होंगी बहुत लोगों के लिए। तो मैंने कहा ना, नेक्स्ट 5 डेज के अंदर अंदर बहुत चीजें हो जाएंगी। कुछ लोगों के लिए तो आज रात भी हो सकती है, लेकिन अगर आज रात नहीं होती है तो नेक्स्ट 5 डेज के अंदर भी बहुत स्ट्रांग चांसेस हैं। और ये 7-7 पोर्टल की एनर्जी है, तो ये पूरा मंथ, यानी 8-8 पोर्टल तक ये पूरा मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। ग्रेट, चलो कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। अब आपके पार्टनर के क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे क्या कहेंगे, वो आपसे क्या है उनके दिल में आपसे कहने के लिए, प्लीज डिवाइन बता दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के दिल में मेरे व्यूअर्स को कहने के लिए। तो यहां पर वो आपको कहना चाहते हैं कि मुझे पहले एहसास नहीं था कि मेरे दिल में इतना प्यार है तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं, बहुत याद करता हूं। वो आपसे कहना चाहते हैं मैं अपनी रियल साइड तुम्हें नहीं दिखा पा रहा हूँ, ठीक है, बट अब दिखाना चाहते हैं ये पर्सन, एंड आप इनका सपना हो और आपको ये खोना नहीं चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते। कई बार उन्हें लगता है कि आप उन्हें प्यार ही नहीं करते हो, बट वो आपको समझाना चाहते हैं कि आप क्या हो उनके लिए, कितने स्पेशल बन चुके हो, एंड वो आपसे प्यार पूरे तरीके से, दिल से, पूरे दिल से निभाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं आपकी लाइफ में। ग्रेट गाइज, बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी। आई होप सो ये 7-7 पोर्टल आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहे, एंड बहुत लोगों का, मेरी तरफ से पूरी ब्लेसिंग्स है कि आप सबका रीयूनियन हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, एंड मैं बिल्कुल डिवाइन से प्रे करूंगी, एंड यस ऑफ कोर्स। और अगर आपका रीयूनियन होता है ना, तो बिल्कुल कमेंट्स में आकर जरूर बताया करो, भूला नहीं करना, ठीक है, भूलना नहीं है इस चीज को, बिल्कुल आके कमेंट्स में मुझे बताना है अगर आपका रीयूनियन होता है। उससे और लोगों को भी होप्स मिलती है, उनको भी पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है, क्योंकि मुझे भी पता है इस चीज का कि आप लोग बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, देखो इन चीजों को लेकर मुझे पूरा एहसास है उस चीज का, ठीक है। सो बिल्कुल अगर आपका रीयूनियन होता है ना, तो बाकी लोगों को आके भी होप्स दो, ठीक है, द नीड होप, उन्हें सिर्फ होप चाहिए, उन्हें सिर्फ एक पॉसिबिलिटी चाहिए, क्योंकि ये होप ही शायद उनके लिए खुशियां हैं, है ना, और आपके लिए भी ये शायद एक खुशी ही है कि हाँ रीयूनियन हो जाएगा, ठीक है। सो बिल्कुल बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव, ओके। सो या गाइस, ये आज की रीडिंग थी, कैसी लगी ये रीडिंग जल्दी से मुझे बता दी कमेंट्स में, और दिस इज ऑल फॉर टुडे। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट में आई क्लेम लिखिए इस वीडियो की पॉजिटिविटी को, क्लेम जरूर करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।